ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। लगातार नशे दी खबरां देख देख के लोगों के मन में दुख हो चुका है कि साडा पंजाब जा किस पासे रहा है, पर अज जिस तरीके टूरनामेंट करवाया होया लगता कि इस तरीके की नौजवानों नू सीध लेनी चाहिए अज के जिहड़े टूरनामेंट तो। एक फिल्म बनी सी उड़ता पंजाब, हुण फिल्म बनेगी खेड़दा पंजाब, ते मुख्यमंत्री साडे भगवंत मान जी की कोशिश है कि ज़्यादा तो ज़्यादा यूथ नू रुजगार दिता। हालांकि चलो नशा तो सरकार ने बकाया, ये बदनाम सानू ज़्यादा किया गया। पासे पूरे पंजाब दे विचों नशियां दियां खबरां आ रही ने कि अजकल दी नौजवान नशियां दे विच जा रही है, तो चिट्टा पंजाब दे नौजवानों नू घुण वांगू खारा गया, तो इस नू लैके लगातार लोग डिक रहे हैं कि कदों पंजाब दे विचों नशा खत्म होवेगा, कदों साडे नौजवान ने खेडां वल आउणगे। पर इस वेले दी इक वड्डी खबर तुहानू दूजे पासे दिखाने आ कि इक पासे चिट्टा मार कर रहा है दूजे पासे जिहड़े नौजवान ने उस पीढ़ी को समझाने के लिए लगे हुए हैं जिहड़े नशे की दलदल में धस चुके हैं, तो इस लैके तस्वीर दिखाने कि जिते कि नौजवान ने नशे की खबर तुम देखते हो, दूजे पास वो नौजवान ने जिहड़े जागरूक कर रहे हैं, तो इस लैके नाल दी नाल होर लोगों एप्रीशिएट कर रहे हैं कि तुम नशे को छड्ड के खेडों वल आओ, अपने पंजाब का अपने देश का नाम रोशन करो। तो अज पिंड दुल्लुआ खदरी क्रिकेट टूरनामेंट करवाया गया जिते कि 16 तो वध टीमों ने हिस्सा लिया, तो अज फाइनल मैच से बैनीपाल ग्रुप आया तलवाड़ प्रॉपर्टी तो पहुंचे ने, तो गलबात करते हैं सब तो पहला बैनीपाल ग्रुप साढ़े नाल। बैनीपाल जी किवें देखदे हो कि लगातार नशे दी खबरां देख देख के लोगों के मन में दुख हो चुका है कि साडा पंजाब जा किस पासे रहा है, पर अज जिस तरीके टूरनामेंट करवाया होया लगता कि इस तरीके की नौजवानों नू सीध लेनी चाहिए अज के जिहड़े टूरनामेंट तो? देखो जरूर लेनी चाहिए, हुण बच्चे खेलूंगे नशे दूर रहूंगे, कहते बच्चे वेले वो नशे वाल जाऊंगे। असी भी अपनी सरकार नाल भगवंत मान मुख्यमंत्री जी नाल गल करके इनू बच्चों होर खेडां वास्ते मैदान पिंड पिंड खेडां वास्ते बनाउण दी आपां गगन मान जी नाल गल करके आपां ये पिंड पिंड आपां सारे पंजाब दे विच खेडां वास्ते पार्क मशीनां ग्राउंड जिम असी अपनी सरकार नूं जरूर असी अपील करूंगे भी नशे तो दूर बस गए बच्चे अपने। लगता है पर काफ़ी लंबे समय तुम भी जिहड़ियां क्रिकेट किटा वॉलीबॉल किटा इदा दी बंडियां ने उसके कारण ही जिहड़ा अज देखने मिल रहा कि नौजवान पहला की हुंदा सी कि परिवार भी कई बार सहायता नहीं करता सी किट वास्ते जां कोई इदा दी वॉलीबॉल किट हुई जां क्रिकेट की किट हुई, तो तुम जिहड़ी किटा वंडियां ने उन्हां दा नतीजा भी अज मिल रहा कितना कितने जरूर हुण पिंड पिंड असीं मतलब असीं 60-70-80 किटा देती असीं इदा कहिंदे बच्चे नूं खेलो असीं समान जो चाहिए असीं सरकार ते प्रबंध कराऊंगे। पिंड पिंड असीं जरूर खेडां वास्ते जरूर मैदान बड़े बड़े खोलूंगे। ठीक है बिल्कुल, तो किवें देखदे हो कि लगातार जिहड़े नौजवान नशियां वल जा रहे हैं, पर जिहड़ा अज दी इक प्रेरणा मिलेगी नौजवानों नूं किवें देखदे कि अपने बच्चों जिहड़े माँ बाप ने नशियां नालों दूर करके जिहड़े खेडां वल किवें लेके आ? देखो अज जिहड़ियां दो टीमां असीं मिले हैं, एक पंजाब दी इक हरियाणे दी, पंजाब बड़ा भरा है ते हरियाणा छोटा भरा है। एक फिल्म बनी सी उड़दा पंजाब, हुण फिल्म बनेगी खेड़दा पंजाब, ते मुख्यमंत्री साडे भगवंत मान जी की कोशिश है कि ज़्यादा तो ज़्यादा यूथ नूं रुजगार दिता जाए, रुजगार मिलेगा तो नशा खत्म होएगा, तो हुण इनाम भी रखा हुआ नंबर भी जारी किया होया। हालांकि चलो नशा तो सरकार ने बकाया तो बदनाम सानू ज़्यादा किया गया, तो हुण यही चाहते हैं भी बैनीपाल जी नाल मिलके असीं किटां दे रहे हैं, स्टेडियम प्रोवाइड करावांगे, जिमां करांगे, जिहड़े पढ़े लिखे हैं उन्होंने रुजगार दवावांगे, वध तो वध खेडांगे नूं जाणा चाहीदा, ये तो अही इन्हां अपने बच्चों नूं रिक्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता असीं आने वाले पंजाब नूं वधिया बनाउण वास्ते ते तां कि साडे कदे पंजाब जां हरियाणा कदे इदां दी फिल्म ना बणे जिहदा कि साडे ते दाग लगे नशे दा। बहुत वड्डी गल है कि जिसते उड़ता पंजाब वर्गियां फिल्मां बनियां ने, पर दूजे पासे हुण नौजवान जिहड़े खेडां वल जा रहे ने। पिंड सरपंच साहब साडे नाल, सरपंच साहब अज जिहड़ियां दस्से रहे 16 तो वध टीमां अज इत्थे दो दिन मैच चलदे नूं हो गए, लगदा कि वधिया सेध मिल रही है बच्चे नूं, क्योंकि नशियां दी खबरां बहुत देख देख के लोग अक गए ने कि पंजाब नशे वल जा रहे हैं, पर अज खेडां वाली खबर देख के लगदा कि कितें ना कितें मन दे विच खुशी होएगी लोगों दी। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, अज तां अही कह रहे जी भी पहलां तां जी धन्नवाद बैनीपाल ग्रुप जी दा, ये अपना कीमती समा कढ गए
इत्थे आए जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी। तो आप रिक्वेस्ट करते जी बैनीपाल ग्रुप जी नूं कि तुसीं नज़दीक हो सरकार दे बहुत ज़्यादा, भी साढ़े पिंड विच ना खेड दा ग्राउंड नहीं जी है, बच्चों चाहना बहुत है, बहुत ज़्यादा चाहना है, भी असीं बेनती करते हैं जी भी साढ़े पिंड च ना खेड दे ग्राउंड का इंतजाम कराया जाए। बिल्कुल, तुसीं देखो कि पिंडां दे विच जिहड़े नौजवान खेडणा चाहुंदे ने, खेडां वल जाणा चाहुंदे ने, पर पिंडां दे विच सहूलतां नहीं, सरकारां नहीं दे पाईआं हुण तक। तां हुण नवीं सरकार तों उम्मीद जताई है कि नवीं सरकार किते ना किते खेडां दी किट्टां, खेडां दे ग्राउंड अगर बनाए जाण पिंडां पिंडां दे विच, तां नौजवान अपने पंजाब दा अपने देश दा नाम रोशन वी करनगे। तां इस नूं लै के जंटी किवें देखदे हो कि अज जिहड़ा तुसीं पहुंचे हो इत्थे टीमां दी एप्रीशिएट करन वास्ते, किवें दा जिहड़ा रुझान मिलिया तुहानूं? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਤੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੇਧ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪੈਰ ਨਾ ਪਸਾਰ ਸਕੇ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਰ ਨਾ ਪਸਾਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ, ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੁੱਲੂਆਂ ਖਦਰੀ ਹਲਕਾ ਖੜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਆ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼।